चल गए, डन, ठीक है, साफ देखो आ रहा है कि नहीं, ठीक। चलो आज का टॉपिक डालो करंट और स्टैटिक वाले में, करंट और स्टैटिक वाले में टॉपिक में डालना है, ठीक है। एक हमने वो कल कोविशील्ड वाला डाल दिया था, उसको आप मतलब वीडियो भी पढ़ाया था, पढ़ाया भी था, ठीक है। तो वहां पे आप देख सकते हो, उसमें देखना जाके, ठीक है, देख लेना, सब कुछ कवर किया गया है। चैनल का नाम यार वो देख लेना, ठीक है, वो सब मिशन कोचिंग वाला, ठीक है, मिशन कोचिंग सेंटर, ठीक है, कोचिंग और सेंटर। अगर ये नाम से नहीं आता है तो आप इसमें थोड़ा और जोड़ लेना, बालामू, ठीक है, हाँ ठीक है, बालामू, बालामू करके ये आप सर्च मारोगे आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो आज का टॉपिक है, थोड़ा मतलब पुराना ही है लेकिन उसमें कुछ नई चीजें अपडेट आई हैं, ठीक है। देखो कौन सी, एक आपने सुना होगा क्या, ये आपने सुना ही होगा, चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान 3, इससे एक नई मतलब उपलब्धि मिली है। और दिया क्या है, इसरो ने बताया है, इसरो के वैज्ञानिकों ने क्या बताया है कि 2024 में ही, अभी हाल ही में चर्चा में आया, क्या बताया है कि चांद पर मतलब मून पर क्या है, पानी है, ठीक है, पानी है, हाँ वाटर है। और यहाँ पर ये तो हम लोग पहले ही बता चुके थे, ठीक है, कब बताए थे ये हम लोग पहले बताए थे, और उसमें जब अपना चंद्रयान, चंद्रयान फर्स्ट जब भेजा गया था तब, ठीक है। लेकिन इस बार जो बताया गया है, बोला गया है कि साउथ पोल, जो आपका लिखो यहाँ पर लिख लो उत्तरी ध्रुव और आपका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव, दोनों जगह आपका, दोनों जगह आपका बर्फ के रूप में पानी है, ठीक है, बर्फ के रूप में पानी है, तो बर्फ के रूप में पानी है और इस पानी का मतलब खोज किया गया है। तो यहाँ पर देखो एक चीज और बताया इन लोगों ने, क्या बताया, जो आपका बताया है कि इसमें जो है दक्षिणी ध्रुव की वजह से, मतलब दक्षिणी ध्रुव पे जितना है इसका दो गुना, ठीक है, इसका दो गुना पानी किधर है, आपका उत्तरी ध्रुव पे है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव पे। अपना जो मिशन भेजा गया था, जो ये वाला था चंद्रयान 3 वाला, जस्ट चर्चा में रहा था, कौन से उस पे गया है, तो मून का जो आपका दक्षिणी ध्रुव पर गया है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर गया है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, ठीक है, तो ये साउथ पोल पर पहुंचा है, ठीक है, साउथ पोल पर पहुंचा है, तो ये आपका रहा था, ये है न्यूज में, ठीक है। न्यूज में क्या रहा है, अब देखो कोई बताएगा मतलब पानी खोजा गया है मून पे, तो मतलब क्या होगा, इसका क्या यूज हो सकता है, अच्छा ठीक है पानी पिया जाएगा, और कोई बताएगा, मनीष बताओ, ये वहां रहने के लिए चांद पर चला जाएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है, जो भी मिशन जाएंगे रहना संभव, हाँ ठीक है, स्पेस पे ऑक्सीजन की तो अभी खोज नहीं की गई है ना, क्योंकि ऑक्सीजन, हाँ नहीं दावा तो करते हैं, जैसे अभी उसने किया था रसिया, रूस ने किया था शायद कि दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच ही नहीं सकता है, ठीक है, इंडिया ने दावा किया कि हमारा भैया मिशन पहुंच गया, आप बता रहे हो नहीं पहुंच सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, तो यहाँ पर पानी खोज के देखो मायने क्या हो सकते हैं आपके, जो आपके मतलब ये फायदे क्या हो सकते हैं, तो हाँ देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो नंबर एक में हो सकता है कि जो जो भी मिशन जाएंगे भविष्य में, जो भी मिशन जाएंगे तो उनके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो जो भविष्य में जो मिशन जाएंगे, भविष्य में जो मिशन जाएंगे उनके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है, हेल्पफुल होगा, मदद करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में और भी क्या हो सकता है कि आपने सुना होगा एक जो हाइड्रोजन फ्यूल बनाने के लिए भी यूज होगा, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल बनाने के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन, हाँ फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल, इसमें आपका जो नहीं एच हाइड्रोजन होता है H2O फार्मूले तो होता है H2O, ठीक है, ये जल के तो होता है फार्मूला, हाँ ठीक है। चलो उसके बाद में यहाँ पर ये जो अगर देखें तो यहाँ पर परमानेंट बेस बनाए जा सकते हैं, ठीक है, परमानेंट, परमानेंट बेस बनाने में मदद होगी। इसका मतलब क्या है, जैसे परमानेंट बेस का मतलब है कि वहां पर मून पे, मून पे अगर वैज्ञानिक लोग रहेंगे तो वहां पर डीप मिशन, कोई मतलब लंबे मिशन जो चलेंगे उनकी खोज कर सकते हैं। जैसे आपने, हमने बताया था आपको यहाँ पर, अब यहाँ पर इतना हो गया, ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप अगर इस पे जानते होगे कि आपका है स्पेस, आपका स्पेस मतलब अंतरिक्ष किसे मानते हैं, अंतरिक्ष किसे माना जाता है बताओ, अंतरिक्ष किसे माना जाता है ये बताएगा, अंतरिक्ष ऐसा किसे कहोगे, आकाश को, ठीक है, वायुमंडल को, अरे देखो भाई पृथ्वी से, लिखो पृथ्वी से
पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, उसको कहा जाता है अंतरिक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अंतरिक्ष में ऊपर क्या है, ऊपर तो आपका 3 BHK का कमरा है, ठीक है, 3 BHK का कमरा है, ये भी आपने सुना होगा ना। अच्छा ये चीज सुने हो कि नहीं, 3 BHK का कमरा होता है, नहीं सुना है? हाँ ठीक है, जो हमने एक बार मतलब बताया था ना, एक दो बार पीछे, तो 3 BHK का कमरा है। 3 BHK का मतलब 3 बाथरूम है, हॉल है, किचन है, ठीक है, ये मतलब है। तो ये देखो, हाँ दुनिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो रसिया है और आपका चाइना है, अमेरिका है, इन लोगों ने मिलकर इसको बनाया है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें वैज्ञानिक लोग रहते हैं और ऊपर, हाँ, और ये जो रहता है ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, ठीक है, यही जो कमरा है, ठीक है, तैरता रहता है अंतरिक्ष में, तैरता रहता है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हो गया, तो इंडिया ने भी बोला है कि अपना हम खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाएंगे, ठीक है, 2030 तक ऐसा कुछ बोला है। तो यहाँ पर ये हो गया अंतरिक्ष वाला, ठीक है। तो अंतरिक्ष का 300 आपका 3 BHK कमरा है ऐसा। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें, ये तो आपकी हो गई जो जस्ट जो चर्चा में था। यहाँ पर लिख लो एक चीज है जो आपकी पिछली वाली है, वो रिविजन भी हो जाएंगे, पूछे भी जो क्वेश्चन जाते हैं। अगला बताना है कि आपका चंद्रयान जो मिशन है कि वो कब भेजा गया था, बताओ, कोई बताएगा? ये 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था, अच्छा ठीक है। फिर ये पहुंचा कब, 23 अगस्त 2000 कब पहुंचा, बताओ, 2023 को, 24 को, ठीक है, 23 को पहुंचा, ठीक है, 23 को पहुंचा। फिर उसके बाद में बताओ, अच्छा और कौन बताएगा कि इसमें जो आपका है, इसमें किस रॉकेट से भेजा गया, LVM3 और M4, ठीक है, यही तो है, LVM3 M4 एक रॉकेट से भेजा गया, ठीक है, LVM, ठीक है, इसको अच्छा सही कर लो, LVM3 M4 ये आपका रॉकेट है, ठीक है, ये रॉकेट है। इस तारीख को बोला गया, क्या बोला गया, शिव शक्ति पॉइंट, मतलब जहाँ पे मतलब ये पहुंचा है, शिव शक्ति पॉइंट बोला गया, ठीक है। और इसी दिन को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय, हाँ, अंतरिक्ष दिवस, ठीक है, अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, ठीक है, अंतरिक्ष दिवस, ठीक है। और भी कुछ चीजें आपको बताऊं, यहाँ पर एक इसमें वो विक्रम और लैंडर जो गए थे, ठीक है, विक्रम था एक और, हाँ हाँ, विक्रम और प्रज्ञान, ठीक है, प्रज्ञान था, ये हो गया। और क्या कुछ और भी चीजें थी इसमें, बाकी तो आप सबको पता ही है ना कि इसमें आपका ये हो गया, ठीक है, और ठीक है, स्पेस डे, ठीक। और यहाँ पर एक चीज और लिखना चाहो तो लिख लो, आपका जो आपका ये भेजा गया था, किसने भेजा था, सबको पता है, ठीक है, इसरो ने भेजा था, ठीक है, कहाँ से भेजा था, तो श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा था, ठीक है, अंतरिक्ष केंद्र से भेजा था। तो ये हो गया आपका पिछला वाला, ये अभी जस्ट जो चर्चा में रहा था इसके लिए यहाँ पर, और कितना, 2 गुना मिला जी, कहाँ पर, ये परमानेंट बेस बना सकते हैं, ठीक है, मतलब वहां पे रहने के लिए या रूम वगैरह या कुछ भी जो वैज्ञानिक लोग जाएंगे खोज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है। बाकी तो आपको पता ही है कि रॉकेट वगैरह जो ये आपका लिखा है, ये रॉकेट का नाम है, ठीक है, ये रॉकेट का नाम है, ये आपका बोला गया वहां पर जहां पे उतारा गया था मिशन, उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। ये आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाएगा हर साल, ठीक है। विक्रम और आपका जो लैंडर विक्रम है, और रोवर आपका है प्रज्ञान। रोवर का मतलब क्या है, जो उसके सतह पर चलेगा, और लैंडर का मतलब जो उतारने का काम किया था, जो मिशन उतारने का काम किया था, ठीक है। इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया, बाकी आप जानते हो 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को, और कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर, ये सब कुछ पता ही है आपको, ठीक है। चलो इसको थोड़ा बहुत लिख लो, बाकी अब इसको थोड़ा वो करना, ठीक है, प्रतिमा इसको बंद करो।